दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज आतंकी शहजाद की सजा का ऐलान। इंस्पेक्टर एमसी शर्मा के कातिल के लिए पुलिस ने मांगी सजाए मौत। तेलंगाना के गठन पर आज हो सकता है फैसला। शाम 4 बजे अहम बैठक। बंटवारे से खफा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी के इस्तीफे की अटकलें। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने की वोट के लिए नोट की खुली पेशकश। जिस पंचायत ने पक्ष में डाले 80% वोट उन्हें दीपेंद्र शेखावत देंगे 1 करोड़ रुपए। ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा नागपाल के निलंबन पर यूपी सरकार ले सकती है यूटर्न। चौतरफा घिरने के बाद अखिलेश यादव पर बढ़ा दबाव। राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्कूली बस और टेम्पो में भीषण टक्कर। हादसे में 8 बच्चों की मौत, 10 घायल। बच्चे अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में महिला और 4 साल के मासूम की चाकू से गोद कर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में बैंक की लापरवाही ने ली मासूम की जान। एटीएम के पास खेल रहे बच्चे को लगा करंट। आरबीआई आज करेगा साल की पहली तिमाही की मौद्रिक नीति का ऐलान। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में कोई बदलाव नहीं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और राजस्थान रॉयल्स के तीनों खिलाड़ी बनेंगे आरोपी। दो हजार 2015 के वर्ल्ड कप के कार्यक्रम का ऐलान। 14 फरवरी से क्रिकेट के महायुद्ध की शुरुआत। 15 फरवरी को पाकिस्तान से होगा भारत का पहला मुकाबला।